जा तू ना जा रहे हो तो अस्सलाम वालेकुम। हम चागन से रिक्शा यूनियन से बोल रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर। हमारी सरकार से और प्रशासन से हमारी ये दरख्वास्त है और ये निवेदन है हमारी और ये गुजारिश है इनसे कि भाई हम रिक्शे वालों के बारे में बोलना चाहेंगे कि जो है तो हमारे जो है तो परिस्थिति बहुत ख़राब है। 100-150 रुपये का धंधा हो रहा है, अब उसमें कुछ गाड़ियाँ बचत की है जिसमें से जो है तो उन्हें बचत कैसा देना और उनने उसका अखराजात कैसा पूरी करना, कैसा मुकम्मिल करना। हाँ, और हमारे जो है तो बजाज फाइनेंस वाले जो है तो घड़ी घड़ी फोन कर रहे हैं कि हफ्ता भरो। तो ये कैसे देना हमने हफ्ता 100-150 रुपये के धंधे में उनको कैसे देना और हमारा घर का कैसा गुजारा करना। अब जो लॉकडाउन में जो 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था इसमें जो है तो हमने आपस में एक दूसरे की हमने मदद ली है भाई, जिसके पास जो यानी जिसकी कंडीशन थी जैसे उधार देने की हमने उनसे उधार लिए। हाँ, तो अब वो देना हमने या इसका हफ्ते देना या हमने हमारा घर खर्चा चलाना और घर किराएदार किराया देना। अब घर मालक भी बोल रहे भाई तुम्हारा तो चालू हो गया, तुम रोज रस्ते पे जा रहे हो, अब जो है तो हमने उसको कैसे देना 100-150 रुपए के धंधे। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि भाई जो है तो कम से कम हमारे रिक्शे वालों के वास्ते कुछ ना कुछ उन्होंने सोचना चाहिए। जैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने हर रक्षा गवर्नमेंट होल्डर को उनको हर 5-5 हज़ार उनके अकाउंट में डालनी है। तो ऐसे हमारे उद्योग सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि भाई उद्योग सरकार ने जो है तो हमारे भी यानी बोलने का मतलब हमारा कुछ रक्षे वालों को कुछ ऐसा ख्याल करना और लाइट बिल बिजली बिल माफ करना, ये हमारी ऐसी गुजारिश है। ये जो आप सबको मैं वसीम खान बात कर रहा हूँ रिक्शे वाले की यूनियन के तरफ से हमारे शागंज के, और मैं भी रिक्शा चालक हूँ। और हमारी ये परेशानी है जो लॉकडाउन से जो है तो 3 महीने से हमारे रिक्शे वालों के बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, ना किसी ने हमारे तरफ देखा गया है, ना हमारे खासदार साहब से भी गुजारिश है कि जो अभी जो लॉकडाउन जो खुला है 1 तारीख से, और जो अभी पुलिस प्रशासन जो है तो जो GR जो इनका निकला है 2 सीट के ऊपर का, तो इस ताल्लुका से जो है तो पैसेंजर उतना पैसा दे रहा भी नहीं हम लोग को, और जो है तो 3 सीट बिठा रहे अगर तो पौधी दिए जा रही है। और माली हालत तो हमारी इतनी बेकार है अभी कि रिक्शे वालों के बारे में जो है तो मालक के जो बचत रुकी भी है वो भी बचत देना है, घर का किराया देना है, और प्लस यहाँ पर पैसेंजर 150 रुपये हम 6 बजे से गाड़ी निकाले, 5 बजे तक जो लॉकडाउन की टाइमिंग है उस ताल्लुकात से हमारे घर में सिर्फ 150 रुपये पड़े रह रहे हैं, जो पेट्रोल भी आज जो है तो 85 रुपये लीटर होगा। इस वजह से जो है हम बहुत परेशान हैं कि हमारी परेशानी के बारे में कोई ना कोई आवाज़ उठा के क्योंकि इस बारे में चर्चा करते हुए हल करे कि हमारे जो है तो कुछ सोचे समझे कि हमारे रिक्शे वालों के बारे में क्या हमारे घर में जो है तो परेशानी इतनी है कि हमारे को लेना देना भी है, प्लस हमारे ऊपर लोन भी है, यहाँ तक कि बचत गट उठाए हुए इस बचत गट वालों ने भी जो है तो अब उन्होंने उनका हफ्ता चालू कर दिए। अगर उनका हफ्ता 6 दिन का रहता हमारे घर में 600-700 रुपये हफ्ता हम कहाँ से ला के देंगे, जो अभी लॉकडाउन से जो है तो हो रहा भी नहीं है। इस ताल्लुकात से जो है तो जो 500 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो PM साहब के आदेश के ऊपर जो अकाउंट के अंदर आ रहे थे वो लेडीज़ के अकाउंट में आ रहे थे, वो भी कुछ निकल रहे थे कुछ नहीं निकल रहे थे, हमारे कहने तो 1 रुपये नहीं आया। ना हमारे रिक्शे वालों के बारे में कोई किसी ने बोला गया है कि रिक्शे वालों की परेशानी के बारे में, कि रिक्शे वालों के बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। उस ताल्लुका से जो तो हम जो है विनती करते हैं खासदार साहब से कि इसके ऊपर आवाज़ उठाए, तमाम जो है तो हमारे CM साहब से भी गुजारिश है कि इस विषय में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस पर दिलचस्पी लो रिक्शे वालों के बारे में और इस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रशीद बात कर रहा हूँ औरंगाबाद शागन से। मेरी आपसे गुजारिश है कि औरंगाबाद के रिक्शे वालों को परेशान ना किया जाए और ये जो चेकिंग वगैरह जो चालू है पुलिस प्रशासन की, तो ये चेकिंग जैसा बोल रहे हो मतलब भाई लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में चेकिंग का प्रोसेस आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर 100-150 रुपये का धंधा हो रहा है दिन भर में, उसमें आप गाड़ी मालक को देना कि घर खर्चा चलाना कि घर बाल बच्चों को पालना या पुलिस वालों की चेकिंग वगैरह देखना, अभी तो चेकिंग करने से अभी और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जा रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि भाई लॉकडाउन के बाद जो भी है आपकी पुलिस वालों की जो प्रोसेस है वो लॉकडाउन के बाद चेकिंग वेकिंग करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो 150 कमा रहे हैं इसके लिए आपसे गुजारिश है कि उसमें तकलीफ ना दे पुलिस वाले और हमारी सहायता करें और हमको सपोर्ट करें। और औरंगाबाद सिटी के अंदर पुलिस वाले जो रिक्शे वाले हैं उन रिक्शे वालों को थोड़ी हेल्प करें, अभी चेकिंग के नाम पे इसके नाम पे थोड़ी तकलीफ ना दे और इसके बाद जो है तो लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे को
थोड़ी चेकिंग वगैरह जब हुई भी तो चलेगा, अभी थोड़ी हेल्प करें पुलिस वालों से, ये आपसे अनबन गुजारिश है आप पुलिस वालों से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर बेग है, मैं रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आता हूँ गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई धंधा पानी कुछ हो रहा नहीं है, पुलिस प्रशासन बहुत तकलीफ दे रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। और शागन से गाड़ी चलाता हूँ मैं, हमारे 3-3 महीने के घर के भाड़े रुके हुए हैं और 3-3 महीने के हफ्ते रुके हुए हैं, बजाज वाले कुछ रुक रहे नहीं, मैसेज फ़ोन पे फ़ोन मार रहे हैं। आपको तकलीफ क्या है? हमको तकलीफ ये है कि यहाँ से हम धंधा करते हैं लेकिन यहाँ हमको धंधा नहीं दे रहे। कौन? यहाँ पर हमको जो है तो इधर से पुलिस की गाड़ी आ जाती, उधर से पुलिस की गाड़ी आ जाती, वो हकाल देते, यहाँ से जाते दूसरे स्टैंड पे लगाते वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती, वो भी हमको हकाल देते। गलत बोला सब। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।